Hello students, how are you? Everyone is fine. 12th RBSE Math, chapter number 14, exercise number 14.2, question number 7. इसके अंदर एक parallelogram दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज. उसके A point, B point, C point और D point है. A की value, B की value, C की value दे रखी है. D मुझे इसमें find करना है. एक दूसरा निकालना है AB की वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन दोनों, यानी सभी समीकरण और इसका कार्तीय रूप निकालना है AB रेखा का, और इसमें इसी तरह से BC का भी निकालना है. अब इसमें देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा AB के बारे में. इसके AB के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले A वेक्टर और इसमें A वेक्टर की जरूरत है. तो A वेक्टर होगा मेरे पास इस पॉइंट से निकलेगा 4 5 10 है ना, तो 4 के साथ आई कैप लगा दो, 5 के साथ में जे कैप और 10 के साथ में के कैप लगा. अब मेरे को इसमें जरूरत पड़ेगी बी वेक्टर की. बी वेक्टर दूसरे पॉइंट से निकलता है 2 3 4 है ना, तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप. अब आज में सभी रूप इसका, यानी वेक्टर इक्वेशन ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए. अब इसमें वैल्यू डालें अगर मैं, तो 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 10 ए कैप प्लस लैम्डा बी माइनस ए. बी ये पड़ा मेरे पास 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और माइनस का 4 आई कैप माइनस 5 जे कैप एंड माइनस का 10 के. अब आप इसमें देखो, ये हो गया 4 आई कैप 5 जे कैप प्लस 10 के कैप प्लस लैम्डा 2 आई कैप और माइनस का 4 आई कैप माइनस का 2 आई कैप 3 एंड माइनस 5 के तो देना माइनस का 2 जे कैप, और ये 4 और ये माइनस का 10 माइनस का 6 के कैप. ये इसका सभी समीकरण है, यानी कि वेक्टर इक्वेशन लाइक की आ गई. तो फर्स्ट में इसको थोड़ा अपडेट कर सकते हो आप, चाहो तो माइनस टू कॉमन लेंगे और लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया कांस्टेंट आ जाएगा. तो उसको आप अगर और बेटर वे से लिखना चाहो, ये आपका आंसर करेक्ट है. 4 आई के प्लस 5 जे के प्लस 10 के है ना, माइनस टू इसके साथ में कॉमन लिया तो लैम्डा से माइनस टू मल्टीप्लाई करेंगे तो नया कॉन्स्टेंट आएगा. उसको हम लैम्डा की जगह म्यू कह सकते हैं, कोई भी कॉन्स्टेंट डिस्कस कर सकते हैं. यहाँ पर इसको आई के प्लस जे कैप एंड प्लस 3 के कैप, ये भी इसका एक अच्छा आंसर है. अब आप इसमें देखो, निकालना है इसका अभी समीकरण कार्तीय रूप निकालना है इसका. क्वेश्चन में गिवन है इसके कि वेक्टर इक्वेशन निकालें कार्टेशियन इक्वेशन दोनों निकालें. तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए फॉर्मूला होता है मेरे पास x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एंड y माइनस y1 अपॉन y2 minus y1 and z minus z1 upon z2 minus z. अब इसके लिए क्या बात करेंगे कि ये तो पॉइंट हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 and z2. अब देखो इसमें ये होगा x minus 4 upon, आप उसको माइनस कर लेते हैं ना, ये 2 minus 4 is equals to y minus 5 upon 3 minus 5 is equals to z minus 10 upon 4 minus 10. अब मुझे यहां क्या मिला देखो, x minus 4 upon ये minus का 2 and y minus 5 upon minus का 2 and z minus 10 अपॉन माइनस का 6. अब माइनस 2 से इन तीनों को रिड्यूस कर सकते हैं, तो आएगा x माइनस 4 अपॉन 1, y माइनस 5 अपॉन 1 और z माइनस 10 अपॉन माइनस 2 से किया जाता है 3. ये इसका आंसर. ये बात सिर्फ किसके लिए हुई है, लाइन ए बी के लिए. इसी तरह से अपन लाइन बी सी के लिए बात कर लेंगे, तो इसको रिमूव कर दें.
for BC. अब BC के लिए बात करूं तो ये आपके पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, तो आप चाहे तो सीधा लिख सकते हैं R वेक्टर इक्वल्स टू, तो फर्स्ट पॉइंट होता है N के साथ IJ के लगा हुआ, डिटेल तो पहले हम कर चुके, 2i cap plus 3j cap plus 4k plus lambda, कोई कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। यहां पर क्या होता है, दोनों का डिफरेंस यूज किया जाता है ना, x2 minus x1 होता है, या यूं कहते हैं b minus a होता है, तो 1 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो माइनस 1 आएगा और इसमें i cap लगा दें। इसी तरह से 2 में से ये थोड़ा शॉर्ट में कर सकते हैं, 2 में से इसको माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा 3 को माइनस 1 j cap, इसी तरह से ये आ जाएगा माइनस का 5 k, ये इसका एक आंसर हो गया। अब आप चाहो तो माइनस इसका कॉमन भी ले सकते हैं और 2i cap plus 3j cap plus 4k cap plus, अब लैम्डा की जगह इसको म्यू में चेंज करेंगे, माइनस वन बार कॉमन लेने, आई प्लस जे प्लस फाइव के, दोनों आंसर इसके करेक्ट है, ये ठीक है, ये भी। अब आप इसको कार्टर इक्वेशन निकालना चाहते हैं, कोई सेम फॉर्मूला, एक्स माइनस एक्स वन, पहला पॉइंट बी वाला टू हो जाएगा, फिर थ्री हो जाएगा और फिर फोर हो जाएगा, फिर दोनों का डिफरेंस करेंगे यही वैल्यू आ रही है, आप डायरेक्ट इसका वन वन और ये फाइव डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ये इसकी कार्टर इक्वेशन होगी। अब आप BC की इक्वेशन निकाल चुके, AC को पूरा डिटेल, AB को पूरा डिटेल में निकाल लिया और BC को थोड़ा शॉर्ट में निकाल लिया। अब हमारे को B इन फोर्थ कोऑर्डिनेट निकालना है, उसके लिए देखो आप ये AC और ये है BD। एक बात ध्यान रखो, जो दोनों तो डायगोनल होते हैं, दोनों विकर्ण होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि एक दूसरे के बाइसेक्टर होते हैं। ऐसे कंडीशन में कह सकता हूं मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी होगा, यानी कि ए सी का जो मध्य बिंदु है और बी डी का जो मध्य बिंदु है वो क्या होगा, सेम। तो ए सी के अकॉर्डिंग निकाले मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, इसके अंदर एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू है ना, यानी कि इसका पहला और इसका पहला दोनों को एड करके अपॉन टू कर, फोर और वन तो हो जाएगा, फोर प्लस वन ये लिखते हैं अपॉन टू और फाइव प्लस टू अपॉन टू एंड टेन माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल्स टू, इधर से बात करें तो एक्स प्लस टू अपॉन टू और वाई प्लस इधर थ्री अपॉन टू एंड जेड प्लस फोर अपॉन टू। आप देखो उसको कंपेयर कर सकते हैं ना, ये फर्स्ट इस फर्स्ट पे इक्वल होगा तो मेरे पास आ जाएगा x plus 2 upon 2 is equals to ये 4 और plus 1 5 upon 2, तो इसको कैंसिल, 2 को उधर सेट कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 minus 2 यानी कि 3। इसी तरह से y plus 3 upon 2 है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 plus 2 upon 2 यानी कि 7 upon 2, उसको कैंसिल रीसेट करो तो 4 आ जाएगा। इसी तरह से यहां पर z plus 4 upon 2 है, ये कितना हो गया 9 by 2, इसको उसको कैंसिल 4 को रीसेट करो ये आ जाएगा 5, ये x ये y और ये x y z तीनों आगे के पास में, तो b के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होंगे 3 4 एंड 5, ये इसका आंसर। तो तीन चीज निकाली आप हमने इसमें, एक तो ए बी की इक्वेशन, एक बी सी की इक्वेशन और एक बी के कोऑर्डिनेट्स, तीनों का तरीका आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह करें कैलकुलेशन पूरा ध्यान रखें, एक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।